मॉर्निंग मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग मॉर्निंग अच्छा ओके सो लेट्स स्टार्ट. दिस वाज द लास्ट क्लास वी वर डूइंग, वी वर डिस्कसिंग स्ट्रेट लाइंस में क्या सेक्शन फॉर्मूला. ऑल ऑफ यू रिमेंबर? यस सर, यस सर, यस सर. सेक्शन फॉर्मूला के स्टेप्स क्या होते हैं, मतलब सॉल्विंग के स्टेप्स. यू विल मेक अ डायग्राम लाइक दिस. आई होप जस्ट अ सेकंड. सबको दिख रहा है ये डायग्राम टाइप का बनाओगे, राइट एवरीवन? यस सर. यू विल मार्क द कोऑर्डिनेट्स, यू विल मार्क द रेशियो, एंड देन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट एंड ऑब्टेन द आंसर, करेक्ट एवरीवन? यस सर, यस सर. और नीचे क्या होता है, m प्लस n या m माइनस n? m प्लस n, m प्लस n, क्योंकि वो किसका फॉर्मूला होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल फॉर्मूला? इंटरनल. अब केस टू देख रहे, ओके अभी लिखना बंद करो, बस देखो समझो. यहाँ पे एक्सटर्नल फॉर्मूला, एक्सटर्नल फॉर्मूला को डिफाइन कैसे करेंगे, वो दे विल नॉट से एक्सटर्नल फॉर्मूला, दे विल से पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी एक्सटेंडेड, ऐसा कुछ बोल देंगे. सच दैट एक्सटेंडेड, सच दैट ए सी इज टू सी बी is 3:2. अब हमें डायग्राम बनाना, तो एक्चुअल डायग्राम कैसा होगा बताओ. पॉइंट सी कहाँ पे होगा, ए के पास, बी के पास, क्योंकि एक्सटेंडेड तो दोनों तरफ हो सकता है ना एवरीवन, यहाँ भी हो सकता है और कैन आई से इधर भी हो सकता है एवरीवन, जल्दी बोलो. यस सर, दोनों साइड हो सकता है. अगर लाइन सेगमेंट ए बी पे नहीं है तो पॉइंट ए के लेफ्ट पे भी हो सकता है, पॉइंट बी के राइट पे भी हो सकता है, एग्री ना? Yes, yes, sir. Sir. अब बताओ रेशियो को देख के बताओ कहाँ पे, बी के राइट में. यस सर, बी के राइट में. बी के राइट में, क्योंकि बी से रेशियो कम है. कम ऑन, एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन. यस सर, यस सर. तो एसी अगर 3 है तो सीबी कितना है, 2 है, जस्टिफाइड और नॉट एवरीवन? कम ऑन. यस सर, यस सर. बाय द वे मैं इसको 3:2 की जगह 3:5 कर देता तो अब ये ऐसा लिखूंगा, ये तो गलती होगा ना ऑब्वियसली. यस सर, यस सर. अब पॉइंट सी कहाँ पे हो जाएगा, ए के राइट लेफ्ट में, लेफ्ट में हो जाएगा, ए के लेफ्ट में हो जाएगा. बट अभी कैन आई से एक्चुअली ये डायग्राम में, एग्री एवरीवन? यस सर, देख लो जल्दी. तो अगर मैं इसको m is to n कर दो जनरल सेंस में, अभी m is to n, तो ये वाला पार्ट m है और ये वाला पार्ट n है, ये वाला पार्ट x1 y1 है और ये वाला पार्ट x2 y2 है, और हमारे हमें c के कोऑर्डिनेट्स निकालने, करेक्ट एवरीवन? यस सर, कोई इशू यहाँ तक? नो सर, नो सर. सो आई कैन कन्वर्ट इट इनटू एन इंटरनल फॉर्मूला क्वेश्चन, कम ऑन सोचो जल्दी से. यस सर, कौन इंटरनली डिवाइड कर रहा है? बी डिवाइड सर, बी डिवाइड कर रहा है ए और सी को. डिवाइड्स एसी इंटरनली इन व्हिच रेशियो, कम ऑन. एम माइनस एन इज टू एन, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. देख लो, ये m माइनस n हो गया और ये क्या हो गया, n हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आई कैन टेक दिस रेशियो ना एवरीवन? Yes, sir. और किस में, x1 y1 और xc yc को डिवाइड कर रहा है कौन, x2 y2. x2 y2, जल्दी से बताओ मुझे क्या फॉर्मूला लगाऊं x कोऑर्डिनेट के लिए, टेल मी व्हाट इक्वल टू व्हाट, कम ऑन. अरे गूंगो की तरह चुप मत हो, जल्दी से फॉर्मूला बोलो. लेफ्ट साइड में कौन आएगा, लेफ्ट साइड में एक्स टू, तो वो बोलो ना पहले. एक्स टू इज इक्वल टू, अब बोलो क्या लिखूं, एम माइनस एन प्लस एन, करेक्ट एवरीवन? यस. फॉर्मूला आ रहा है देखना, वो रिजल्ट की तरह डिराइव कर रहे हैं हम, x2 into m, यहाँ पे भी ओपन कर रहा हूँ बच्चों, या m minus n को ओपन नहीं कर रहा हूँ, सॉरी ये तो रहने देता हूँ, क्योंकि xc निकालना है, करेक्ट ना? यस सर, यस सर. तो m minus n into xc is equals to कितना लिखूँ, m x2 minus n x1. यस सर, xc का कोऑर्डिनेट आ गया m x2 माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, ऑलमोस्ट इंटरनल फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है, नहीं है फॉर्मूला का. पहले क्या आता था याद करो, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन आता था,
है ना एवरीवन? यस सर। यहाँ पे एक तरीके से कैन आई से लाइक दैट कि रेशियो जो एम एस टू एन था वो एम एस टू माइनस एन हो गया, बताओ? यस सर। ऑन कम ऑन जल्दी से ओके करो, देखो यस यस सर। इसका मतलब यस, इस तरीके से एक्चुअल डायग्राम बना के वी कैन डू एवरी एक्सटर्नल फॉर्मूला क्वेश्चन। जल्दी से यस करो। यस सर। यस सर। यस सर। बड़ा इतना लंबा करे क्यों? मॉडिफाइड डायग्राम मतलब अब जो बता रहा हूँ वो स्टेप्स बता रहा हूँ कि हमेशा एक्सटर्नल फॉर्मूला का क्वेश्चन सुनते ही क्या करना है। स्टेप वन, इवन इफ इट इज एक्सटर्नल वी विल मेक इंटरनल फॉर्मूला, वी विल मेक इंटरनल डायग्राम, इंटरनल डिविजन डायग्राम। ये रहा बी, आई नो पॉइंट सी कहाँ है, बी के राइट में है, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। तो भी मैं किसका फॉर्मूला बना रहा हूँ? इंटरनल का। पॉइंट सी को इंटरनली मार्क करूंगा। क्या ये एक्चुअल डायग्राम है क्या एवरीवन? नो सर। नो सर। नो, जस्ट अ सेकंड, बीच बीच में लैपटॉप आईसीयू मोड में चले जाता है। पॉइंट सी इज एक्सटर्नल बट वी आर मेकिंग इंटरनल, क्यों? क्योंकि हमने प्रूफ में रियलाइज करा ये तो इंटरनल फॉर्मूला डायग्राम ही है ना एवरीवन? यस यस सर। जल्दी बोलो यार। हाँ, लुक्स लाइक इंटरनल फॉर्मूला विद अ रेशियो ऑफ व्हाट? कम ऑन, एम इज टू माइनस एन। हम इस बेसिस पे अब ये स्टेप्स कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू टेल मी नाउ स्टेप्स। पॉइंट सी यहाँ पे है, ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है, एक्स सी वाई सी मुझे निकालना है, बट रेशियो अब मैं एम एस टू एन लिखूंगा या एम एस टू माइनस एन लिखूंगा यहाँ पे? कम ऑन, माइनस एन। एंड स्टेप टू, राइट कौन सा फॉर्मूला, इंटरनल फॉर्मूला एक्सटर्नल फॉर्मूला इस रेशियो के लिए? सोच के बोलना। इंटरनल। हाँ, राइट इंटरनल डिविजन फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि तुमने रेशियो को तो मॉडिफाई कर दिया है ना एवरीवन? एक्स सी का फॉर्मूला अब बस इंटरनल का ही लगेगा, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन। क्या सब बच्चे एग्री करेंगे? सिंपल स्टेप, बहुत क्लियर है एवरीवन? यस सर। रिपीट कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फॉर्मूला, यस आई नो एक्सटर्नल होगा वो, बट हमने उसका एक प्रूफ एक बार कर लिया है, तो अब हर बार एक्सटर्नल का डायग्राम तक नहीं बनाएंगे। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? यस सर। हम एक्सटर्नल सुनते ही जो रेशियो दे रखा होगा उसकी जगह रेशियो को क्या कर देंगे, बस चेंज करके एम एस टू माइनस एन कर देंगे, करेक्ट एवरीवन? डायग्राम बनाएंगे इंटरनल का, फॉर्मूला लगाएंगे इंटरनल का, बस आंसर आ जाएगा। तो माय क्वेश्चन इज, मैंने एम एस टू माइनस एन क्यों लिया? कुड आई हैव टेकन माइनस एम एस टू एन भी ले सकता था क्या? हाँ सर, चलता। हाँ बच्चों, यस सर, बताओ। ऐसा फॉर्मूला आता, फिर ऐसा फॉर्मूला आता, चलता क्या? सबको दिख रहा है तो सेम ही बात है बच्चों। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला भी चलता, ये फॉर्मूला भी चलता। तो आई होप सबको क्लियर है कि एक्सटर्नल हमारे लिए एक्सटर्नल रहा ही नहीं है, वो इंटरनल ही हो गया है, करेक्ट एवरीवन? यस सर। ना रेशियो की जगह क्या लेना है? नेगेटिव रेशियो, क्लियर? यस सर। कॉपी करो यहाँ तक। पीएनसी चालू हो गया? नहीं सर, अभी नहीं सर, अभी लेकिन पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर। क्या इंट्रोडक्शन ना, रिवीजन? नहीं सर, बाकी क्या? हां, नोट्स कैसे बनाए और अच्छा, वो सब इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ओके ओके, जैसे आपने पहला लेक्चर लिया था तुम बोल देते हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है सर, वो उस बारे में नहीं। हां सर, बोल देते सर। ऐसे कैसे बोल देंगे? नहीं सर, तो वो भी थोड़ा बोल देना हमें। कोई अभी तक अपने टू कलर्स नहीं लिखा होगा तुम, राइट? हाँ सर, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना। और गोपाल को चुपचाप बिठाया नहीं बिठाया? सर चुप बैठा था वो। सर मेरी तो तारीफ कर रहे थे सर। हाँ सर, इसका तो यार वो मैं भी पहले तारीफ करता था, मैं जब तक रियलाइज नहीं करा।
अरे सर लेकिन मैंने क्या किया गलत? इंटरप्ट यार, तूने अच्छा किया है। इतने टाइम से मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। जैसे मैं फ्लैगशिप बैच में बस फ्लैगशिप बैच में जैसे मैं हार्गर का कोई भी बच्चा उसको चुप करा देता हूँ। मतलब हमारा इनसाइड जोक है, यहाँ पे तेरे साथ जोक है, और एक है ध्रुवल जो महाबलेश्वर रहता है। अरे सर आ गया वापस सबका वो भी। सर आपने कल का मैच देखा क्या? एंजॉयड। सर विन प्रेडिक्टर क्या स्कैम निकला? पहले 81-19 दिखा रहा था और फिर ऑस्ट्रेलिया ही जीत गया। लास्ट में 3-6 मारे ना उससे जीत गए। बहुत टाइम है तुम विलो के पास। नहीं पूरा मैच नहीं देखा तो हाइलाइट सर एंड का देखा सर, एकदम एंड का। नहीं प्रेडिक्टर भी पहले का देख लिया सब 6 weeks। अरे सर क्योंकि मैं हॉल में पढ़ रहा था ना और पापा भी हॉल में देख रहे थे, तो फिर बहुत अच्छा सब हॉल में कर ले तू, हॉल में तेरा हो जाएगा जेई। नहीं अरे मैं बोल रहा हूँ ये सब सैक्रिफाइसेस नहीं करोगे ना, छोटे छोटे जेई याद रखेगा, सुन लेना मेरी बात। सर इसके लिए मैं लाइब्रेरी जाता हूँ सर पढ़ने, मेरे घर में बोरेली वाली। नहीं नहीं सर हमारे इधर सर मैं कांदी वाली रहता हूँ, उधर है एक लाइब्रेरी। मावी नगर रहता है तू? हाँ सर। सर गुजराती वही बैठे हुए, मेरी नानी भी उधर ही है। एकदम मतलब घर पे इतना आवाज रहता है बाद में आराम से उधर पढ़। हाँ नहीं अच्छा है बेटर है, जल्दी कॉपी करो एवरीवन। लेफ्ट साइड वाला पार्ट मतलब रफ में, तो मतलब रफ क्या बोल रहा हूँ मतलब फास्ट वे में फटाफट कॉपी कर लो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस एक बार के लिए दिखाना था, इसके बाद डायरेक्टली ये कॉपी कर लो। क्लियर? यस सर। यस। और ये जरूर लिख लेना, फिर लिखो स्टेप्स, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एक्सटर्नल क्वेश्चन, एक्सटर्नल डिविजन क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज अगेन एक्चुअली रियलिस्टिकली क्या सी ए और बी के बीच में है क्या एवरीवन? नो सर। नहीं। ओ, ये सिर्फ हमारा डायग्राम किसके लिए है? फॉर्मूला लगाने के लिए, करेक्ट ना? यस सर। यस। अरे बॉयज एंड गर्ल्स थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ? डांस हो।
ओके माय लास्ट क्वेश्चन, कभी रेशियो अननोन होता है तो क्या करते हो? लैम्डा इज़ टू 1 1 इज़ टू के 1 इज़ टू लैम्डा, लैम्डा इज़ टू 1 लेते हो ना एवरीवन? यस सर, यस सर। बट वो तो इंटरनल के लिए लेते हो, एक्सटर्नल के लिए क्या करोगे फिर? मतलब फॉर्मूला लगाते हो इंटरनल का, राइट एवरीवन? उसके बाद तो यस 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 सर। तो मैं पूछ रहा हूँ एक्सटर्नल हुआ तो फिर क्या कुछ चेंजेस क्या करेंगे? हाँ तो लिखो, सब गलत बोल रहे हो तो लिखो, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब ये बताओ मेरे पास दोनों जगह फॉर्मूला क्या है, इंटरनल का है एक्सटर्नल का है? मेरे पास दोनों पर मतलब क्या ना, इसे इंटरनल डिविजन हो या एक्सटर्नल डिवीजन हो, मैं फॉर्मूला तो अब इंटरनल का ही लगा रहा हूँ ना, वो तो रेशियो में नेगेटिव कर रहा हूँ। एग्री करो ऑल ऑफ यू? कम ऑन, कि जैसे अगर 4:3 इंटरनल डिवीजन बोला हुआ है तो मैं m को 4 ले रहा हूँ, n को 3 ले रहा हूँ। अगर 4:3 एक्सटर्नल बोला हुआ है तो मैं एक्चुअली m को 4 ले रहा हूँ और n को -3 ले रहा हूँ। एग्री करो ऑल ऑफ यू? कम ऑन, यस सर। और फॉर्मूला दोनों जगह मैं इंटरनल का ही तो लगा रहा हूँ, एक्चुअली प्लस का ही लगा रहा हूँ, बस वो एन नेगेटिव हो गया। कम ऑन जल्दी से एग्री करो, यहाँ पे भी यही लगा रहा हूँ, देखो। डोंट आर्ग्यू विद मी, आई होप ये अंडरस्टूड है, यही लगा रहा हूँ मैं, जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। ओनली थिंग इज एन में वापस मैंने नेगेटिव अपना आप ही इनकॉर्पोरेट कर दिया ना। यस सर, यस सर, यस एवरीवन, बिल्कुल भी क्लियर, इतने भी उल्लू नहीं हो, मैंने अच्छी ट्रेनिंग दी है। क्या सबको एग्री करते हो कि दोनों जगह मैं इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ओनली डिफरेंस इज एक्सटर्नल में द रेशियो इज नेगेटिव? एवरीवन यस सर, एक्चुअली नेगेटिव। सो आई कैन से फॉर अननोन रेशियो किसका फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर अननोन रेशियो अगर फॉर्मूला ही हमारे पास एक है तो उसी का लगाओगे ना ऑब्वियसली। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाइज, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द रेशियो, रेशियो विल कम आउट टू बी नेगेटिव इफ इट इज एक्सटर्नल। कम ऑन एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Ratio comes out negative if it is external. मतलब example क्या है? Ratio m is to n या फिर जो भी तुम lambda is to 1 मान रहे हो, वो खुद negative आ जाएगा 4:-3। बताओ agree करो जल्दी से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Ratio comes out to be positive, then हम realize कर लेंगे वो कौन सा division है everyone? Internal division. Internal division में अपने आप ही ratio positive आ जाएगा. और लैम्डा इज टू 1 जो भी तुमने माना है वो 4:3 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर? यस सर। अपने वर्ड्स में फंडा की तरह लिखना हो, फंडा चालू करो, फंडा नंबरिंग करेंगे। सुन लिया सबने? यस सर। इसको फंडे की तरह लिखो अच्छी तरह और मुझे बताओ कि मैंने क्लास क्लास में कोई फंडा तो नहीं लिखाया था? नो सर। डिस्टेंस फॉर्मूला में तो कुछ लिखाया नहीं होगा। यहाँ पे दो फंडे हो गए, यहाँ पे दो फंडे हो गए, फंडा 1 एक्सटर्नल में भी इंटरनल का, ये फंडा 2। डन हो गया, फंडा लिख लिया, ये बाकी है। प्लीज वेट सर।
सर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते वैसे अब अपने वर्ड्स में लिखना चाहिए तुम्हें ऐसा क्या है हाँ सर डन अब तो हो गया फाइनली यस सर चलो चालू करो तो सो में डिस्कनेक्ट हुआ था आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा थैंक यू सर हाँ भाई जल्दी कर रहे हैं ना यस सर यस सर ओके दिव्यांश कंटिन्यू बच्चे नचिकेत करेक्ट सेकंड वाले में डायरेक्टली करेंगे या थोड़ा सा डायग्राम बना के पहले एक्चुअल सही वाला करेक्ट रेशियो निकालेंगे डायग्राम बना के सही रेशियो हाँ और मतलब उसमें डायग्राम जब बना के जज करेंगे तो एक्चुअल डायग्राम या मॉडिफाइड वाला डायग्राम जज करने के लिए एक्चुअल डायग्राम बना के टच करने के लिए एक्चुअल डायग्राम करेक्ट रेशियो निकालने के लिए तो एक्चुअली एक्चुअल डायग्राम ही बनाना पड़ेगा हां सर एक्चुअल को ही फिर बाद में कन्वर्ट कर बिल्कुल सही बच्चों फर्स्ट पार्ट सबका हो गया एवरीवन यस 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 तो फिर बुलंद आवाज में बोलो क्या आंसर है 10.12 इज करेक्ट डाउट आएगा तो मैं बताऊंगा या अभी पूछ लेता हूं किसी को डाउट है No, sir. Anybody last time? No, good.
आज थर्सडे फ्राइडे 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 तुम्हारा इस वीकेंड टीडब्ल्यूटी है क्या कोई? यस सर यस सर यस सर एनी क्वेश्चन का ना एनी क्वेश्चन वाला यस सर ओके वो तो दो एक घंटे में हो जाएगा दो घंटे बहुत रिवाइज किया था एमपी के अब इतने टाइम पेस में हो गया और मेरे साथ हो गया आप थोड़ा टेस्ट से डर कम हो गया या नहीं अभी भी है डर सर डीडब्ल्यूटी से थोड़ा कम हुआ एमटी में सर है अभी एमटी से पहले अभी भी भगवान से प्रार्थना करके जाते हो राइट सर करना पड़ेगा ना सर अभी तो और भी बहुत सारे टॉपिक हो गए बी का आंसर ओके मैंने रैंडमली दिया बच्चे तो मुझे एक्चुअली करेक्ट आंसर नहीं पता पर मोस्ट ऑफली अंशु का सही है गोपाल करेक्ट है रॉन्ग है गौरव करेक्ट है मैका अमेरिका से रॉन्ग है प्रथम सही है कैरव रॉन्ग है दिव्यांग सही है इतना लंबा नाम किसका किसका है भाई पता नहीं चला गया आदित्य मिस्टेक है ध्रुवल करेक्ट है निश्चित करेक्ट है सामी आप करेक्ट है वंश रॉन्ग है पवन करेक्ट है शौनक मिस्टेक है सब बच्चे चेक करो अपना अपना जिन्होंने मैंने नाम लिया अभी कम ऑन चेक करो डायग्राम बना के बस रेशियो करेक्ट निकाल दिया क्वेश्चन खत्म करेक्ट ना बच्चों यस सर यस इतना इजी कर दिया मैंने एक्सटर्नल को कि कुछ है ही नहीं नया नथिंग इज देयर न्यू अरे सर मैंने रेशियो उल्टा लिख दिया हाँ सर सेम 1:3 के बजाय सही करो रेशियो हमेशा किसका चाहिए एसी इज टू बीसी बोलना क्या चाहिए एसी इज टू एक्चुअली क्या चाहिए जल्दी बोलो एसी इज टू सीबी दैट इज एसी इज टू सीबी का ही रेशियो चाहिए याद रहेगा यस 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 चलो अब डिस्कस करते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट किसी को डाउट नहीं है सेकंड पार्ट मैंने देखा वो रेशियो तो गड़बड़ है तो फिर मैं डायग्राम बना के रेशियो जज करूंगा डायग्राम एक्चुअल या डायग्राम मॉडिफाइड वाला बनाऊंगा जल्दी बोलो एक्चुअल मुझे पता नहीं है सी कहाँ पे है बट ये लग गया कि बी ए सी फोर है जैसे कुछ भी रफ डायग्राम बनाता हूँ अपना मुझे फील आ जाएगा गलत बना रहा हूँ सही बना रहा हूँ ए सी अगर फोर पार्ट है तो ए बी वन पार्ट है सही लग रहा है बताओ Yes, sir. Yes. और अगर ऐसा है एसी फोर पार्ट है ये वन पार्ट है तो ये भी सही लग रहा है दोनों ही हो सकता है एक्चुअली तो कम ऑन यस मतलब हो सकता है तुमने ध्यान में दिया मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन हो गया हो क्योंकि मैंने तो बोला नहीं है कहाँ पे है कम ऑन जल्दी से एग्री करो बच्चों यस आर यू विथ मी सबको रेशियो दिखा है कि ये दोनों हो सकता है ना एवरीवन एक्चुअली तो सो दिस इज केस वन दिस इज केस टू मैंने जब क्वेश्चन दिया मैंने खुद ने नहीं सोचा इस बारे में बट यस इट इज दैट क्लियर यस 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 में एसी इज टू सीबी का रेशियो बोलो मुझे एसी कितना है 4 तो सीबी कितना हो गया बच्चों कम ऑन 3 क्या यहां तक क्लियर यस यस सर केस 2 में मुझे बोलो एसी इज टू सीबी का रेशियो 4 इज टू कितना 5 वापस माइनस नहीं बोलोगे ये 4:5 फिर अपन नेगेटिव ले लेंगे वो तो फॉर्मूला में यहाँ तक क्लियर यस यस अब मैं डायग्राम बनाऊंगा क्यों मेरे को डायग्राम से ही फॉर्मूला फास्ट अप्लाई होता है करेक्ट ना एवरीवन
इसका डायग्राम बना रहा हूँ फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एक्सटर्नल का या इंटरनल का इंटरनल पॉइंट सी को कहाँ पे बनाऊंगा बीच में या बाहर बीच में एक जगह रेशियो 4:-3 ले लूंगा और एक जगह रेशियो क्या ले लूंगा 4:-5 किसी को डाउट यहाँ तक नहीं सर तो फर्स्ट केस में क्या आंसर आ जाएगा देखिए 4:-4 16 -3 / 1 4:6 24 -9 / 1 यहाँ पे आ जाएगा 4:4 16 -5 / -1 4:6 24 -15 / -1 सही लिखा है बच्चों यस सर यस तो यहाँ पे आ गया 13, कितना ये 15 और पॉइंट सी कैन बी 11/-1 -11, 9/-1 -9 दो आंसर आएंगे क्या ये सबने रियलाइज किया आप एवरीवन यस सर क्योंकि मैंने नहीं बोला था तो एक्चुअली दो डायग्राम निकल गए तमाम वेरी गुड अगर किसी ने करा था तो एक भी बच्चा था जिसने दो आंसर निकाले थे मुझे तो चैट पर तो नहीं दिखा कोई एक भी बच्चा नो ना लायक जनित बैच अभी करो वो तो अच्छा है शुक्र है मैं पीएनसी मेरे नहीं पढ़ाना पड़ रहा नहीं तो बहुत डांटता मैं एक और क्वेश्चन ऐसा करना है yes, sir. Yes, sir. जल्दी कॉपी करो एंड लेट मी नो इफ डन डन यस सर डन कोई डाउट किसी बच्चे को ओके देन लेट्स गो क्वेश्चन कॉपी जरूर कर रहे हो आई होप यस तो ये क्या है रेशियो करेक्ट रेशियो है क्या कौन सा रेशियो चाहिए हमें एवरीवन AD to DB वेरी गुड
तो फिर किसका डायग्राम बनाएंगे, एक्चुअली या मॉडिफाइड? एक्चुअल, उससे जज करेंगे। हमें कहीं नहीं बोला होगा बस कि डी कहाँ है, तो कहीं भी मान लो एक बार। अगर ए बी एक्स है तो ए डी को बोला है 3x, ऐसा हो सकता है इस केस में? बिल्कुल हो सकता है। यस। अगर बाय द वे डी को लेफ्ट में मान लो, तो ए बी अगर एक्स है तो यहाँ पे ये 3x हो सकता है क्या? हो सकता है, हाँ या ना? तो क्या यहाँ पे भी दोनों ही केसेस है, यस और नो बच्चों? यस सर। केस वन में अपने ए बी को एक्स दिया, ए डी को एक्स दिया। क्या बोल रहा है, इसको x लूंगा तो ये 3x नहीं है क्या बच्चे? बट वो AD है ना सर। वापस क्या AD? मैंने AB को x लिया, तू बता अगर AB को मैं 5 लूंगा तो AD की लेंथ कितनी आ गई? 15 आ गई, नहीं आ गई? यस सर, सॉरी। तो अगर मैंने अब AB को x लिया है तो AD कितना हो गया बोल? 3x। तो वही तो लिखा है, देख AD इज 3x, AB is x, और यहाँ पे मैंने गलत लिखा है बस, वो तो सही है सेकंड डायग्राम में। AB को नहीं सही लिखा था वहां पे भी, AB को x सही था, तो AD कितना हो गया 3x। बता क्या प्रॉब्लम है तेजस्वीर? नो प्रॉब्लम सर, कंटिन्यू। हो गया, आंसर आ गया? यस सर। एक केस हो गया सर, दूसरा सेकंड केस का। हरी अप हरी अप। सर आंसर चैट बॉक्स में भेजा है। सही लग रहा है सिद्धार्थ, अनिशा, अंशु, प्रणय, दिव्यांश की मिस्टेक लग रही है, लिखते हैं। ओके, आई थिंक वी कैन डिस्कस नाउ एवरीवन। So yes, मेरा AD is to DB first case में कितना हो गया भाई? 3x is to 2x, that is 3:2, correct बच्चों? Yes. Second case में AD is to DB कितना हो गया? 3x is to 4x, that is 3:4, 3:4 external. अगर तुम्हें लिखना है 3:2 तो external लिखोगे, अगर ऐसा लिख रहे हो तो 3:-2 तो फिर internal लिखोगे, समझ गए ना? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन कभी बताओ, कभी थियोरेटिकल पेपर में बोर्ड्स में ये ऐसे नेगेटिव रेशियो लिखना सही है या ऊपर वाला सही है? व्हाट डू यू थिंक? ऊपर वाला सही है, ऊपर वाला सही है। इतना तो सेंस तुम्हें भी दिमाग लगता है ना कि ये सब तो हमारे फॉर्मूला की एप्लीकेबिलिटी के लिए, करेक्ट ना? यस सर। कोई रेशियो नेगेटिव है ना होता है, हाँ है ना बच्चों? यस। तो वो तो सिर्फ बोलने की बात है। ए कितना था, ए का क्या है भाई? 1.1, 2, -3, 1.1, 2, -3, यहाँ पे हो गया 3:-2, 1.1, 2, -3, यहाँ पे हो गया 3:-4, तो डी के कोऑर्डिनेट 3:2, 6, -2, 4/1, दैट इज 4, -9, -2, -11, एक तो यही आंसर आया बच्चों? यस सर। 3:2, 6, -4, 2, तो -2 हो गया, -9, -4, -13, तो ये हो गया, सही है? Yes. Yes, अब तो क्लियर हो गया पूरा पार्ट ये एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट? नॉट क्लियर, एनी डाउट एनीबडी लास्ट टाइम? नो डाउट।
चलो अभी एक रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन करते हैं. डू दिस. वापस रेशियो निकालने के लिए क्या हमारे पास एक्सटर्नल इंटरनल अलग अलग फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है? एक ही फॉर्मूला है. आगे क्या बच्चों? दो हुए सर, बाकी दो. ओके. दो डिस्कस करें या तीनों हो जाएंगे तुम्हारे? कौन सा वाई एक्सेस वाला भी कर रहे हो क्या बच्चों? यस सर. यस सर. ये तो वो छोड़ सकते थे, ये कर सकते थे डायरेक्टली. सी पार्ट दिखाया ना मैंने, अगर कर लिया तो कोई बात नहीं. हो गया तो कर लिया, कर लिया तो कोई बात नहीं बच्ची, बट देन ये लास्ट पार्ट वाला करो. ठीक है सर. चैट में मैंने वाई एक्सेस का आंसर भेजा है.
चले यस सर सो 30 सेकंड्स ओके आंसर भेजो ओके बच्चे चलो तनिषा एक छोटी सी मिस्टेक विवान बिल्कुल सही जा रहे हो प्रणय सही जा रहे हो कह रहे हो परफेक्ट अंशु मिस्टेक फर्स्ट पार्ट अनुकूल अब 5:7 बस लिख दिया थोड़ा तो सोच के लिख बच्चे किस पार्ट का लिख रहा है कुछ तो सोच के लिखा करो यार बस एक रेशियो लिख देते हो कृति फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है दिव्यांश फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है सब बच्चे चेक करो यार नालायक अभी मैं मिस्टेक कर रहे हो फर्स्ट पार्ट चेक करो जल्दी से और मैंने अगर रेशियो पूछा बाय द वे 3:2 -2 आ रहा है तो मुझे 3:2 -2 बोलोगे या 3:2 एक्सटर्नल बोलोगे 3:2 एक्सटर्नल बिल्कुल मुझे रेशियो नेगेटिव बोल के कोई मतलब नहीं है रेशियो नेगेटिव वो तुम्हारे लिए काम का है फॉर्मूला के लिए दिव्यांश करेक्ट डी पार्ट करो अगर मतलब वो वाई एक्सेस नहीं कर रहा है तो दैट्स फाइन देन आर्यमन बी पार्ट गलत हो गया बी एक्स एक्सेस वाला गलत है स्टूडेंट डी सही जा रही है गुड अंशु सही फर्स्ट पार्ट में एक्सटर्नल लिखो आदित्य गुड बहुत जल्दी आंसर जा रहे हैं तो मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ गौरव फर्स्ट पार्ट में गलत आया नचिकेत फर्स्ट पार्ट में गलत आया राधा वापस नेगेटिव नहीं लिखते हैं निशांत फर्स्ट पार्ट नेगेटिव लिखो पवन करेक्ट वेरी गुड चलो इनफ टाइम बहुत दे दिया मैंने हाँ हर मैं डायग्राम किसका बनाऊंगा आपने कम ऑन जल्दी बोलो डायग्राम किसका बनाऊंगा इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल का डायग्राम है ही नहीं वो बस निकालता हूँ जब रेशियो गड़बड़ दे रखी होती है याद है एवरीवन यस तो सेकंड ये फर्स्ट पार्ट में अगर रेशियो 9:-10 है रेशियो तो हर जगह मैं λ:1 लूंगा तो अब एक्स कोऑर्डिनेट में फार्मूला लगाऊं या वाई कोऑर्डिनेट फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए नहीं एक्स कोऑर्डिनेट किस पे भी लगाऊं वेरी गुड आंसर होना चाहिए बस मैंने किसी भी क्वेश्चन का लंबा चौड़ा आंसर नहीं और बाद में नहीं बोला X या Y किसी में भी लगाओ सेम आंसर आएगा ही इज दैट क्लियर यस सर यस सर लेट्स से मैं X में लगा रहा हूँ 9:2 क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 3λ + -3 डिवाइडेड बाय λ + 1 λ - 1 नहीं रेशियो को नेगेटिव लेने का कोई मतलब नहीं खुद ही कंफ्यूज हो गए इज दैट क्लियर एवरीवन यस सर यस रेशियो नेगेटिव आएगा तो एक्सटर्नल रेशियो पॉजिटिव आएगा तो इंटरनल 9λ + 9 = 3λ - 3 6λ = -12 λ = -2 तो the ratio λ = 1 जो आया था वो -2:1 हो गया इसका मतलब realize कर लिया मैंने external है everyone क्या लिखोगे 2:1 external किसी का doubt first part में no sir no sir second part ये रहा -3, 2 ये रहा 3, -4 एक्स एक्सिस इसको कट करके कहीं से जा रही है ये तो रफ डायग्राम है तो चलेगी ना ऐसा एक्स एक्सिस एवरीवन यस यस सर यस तो ये पॉइंट सी है इसके बारे में आपको क्या पता है कम ऑन एनीबॉडी वाई कोऑर्डिनेट जीरो है कोऑर्डिनेट जीरो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है एग्रीड ना ऑल ऑफ यू यस यस तो मैंने रेशियो λ = 1 माना आप बताओ मैं सेक्शन फार्मूला किस पे लगाऊंगा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पे वाई कोऑर्डिनेट क्योंकि वो ही पता है तो 0 = -4λ + 2 / λ + 1 सो ये तो जीरो हो गया -4λ + 2 4λ = 2 λ = ½
So the ratio lambda is to 1 ho gaya, half is to 1. That is actual ratio is what? 1 is to 2 internal. Will go clear everyone? Yes, sir. And part C, मैं y equal to x वाला ले रहा हूँ, मैं y axis नहीं कर रहा हूँ, सेम ही चीज़ है, ठीक है ना, everyone? Yes sir. Minus 3 is to 2 और क्या था? 3 is to minus 4 और ये जा रही है हमारी y equal to x line. So point C का ना तो x coordinate पता है, ना तो y coordinate पता है, but ये पता है कि अगर x coordinate x है, तो y coordinate भी क्या है? X है. X है. Section formula x coordinate पे लगाया. तो x equals to कितना आ गया lambda is to 1 से 3 lambda minus 3 upon lambda plus 1 section formula y coordinate पे लगाया तो भी x लिखूंगा ना everyone yes sir minus 4 lambda plus 2 upon lambda plus 1 अब दोनों को क्या कर दिया equate so 7 lambda is equals to 5 lambda is 5 by 7 so ratio is 5 is to 7 internal बिल्कुल क्लियर यस यस सर यस सर अभी तो कोऑर्डिनेट प्यारी लग रही है मेरे साथ यस सर यस सर जल्दी से कंप्लीट करो 5 सेकंड्स ओके आई एम मूविंग ऑन नाउ ये क्वेश्चन करो डू दिस क्वेश्चन एवरीवन Yeah,
जस्ट कमिंग 30 सेकंड्स, तब सब सबका आंसर आ जाना चाहिए. इसमें 10th क्लास की एक थ्योरम यूज आएगी, सुना सबने? यस सर. जैसे लेंथ ऑफ ए बी ए सी चाहिए, तो ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा सी, तो हमें इसकी लेंथ चाहिए. इसकी लेंथ तो तभी आएगी जब डी निकलेगा, एग्री करो? यस यस सर. और डी निकालने के लिए आई कुड हैव अप्लाइड सेक्शन फार्मूला, बट ये रेशियो नहीं पता, एग्री करो? यस सर. यस. तो ये रेशियो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी है ना तुम सब ने, बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? नहीं सर. पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो मैं भी बताऊंगा, बट अगर नहीं याद है तो कोशिश करो यार. कम ऑन. बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर अगर डिटेल में बतानी होगी देख लेंगे. अगर ये कोई बाइसेक्टर है, दिस अपॉन दिस इज सेम एज दिस अपॉन दिस. याद आया कुछ? क्या बोला? दिस अपॉन दिस इज सेम एज दिस अपॉन व्हाट? दिस. ये बोल रहा हूं मैं. ए बी अपॉन ए सी इज सेम एज बी डी अपॉन डी सी. लिख लो फंडा थ्री. ये बहुत यूज आएगी बार बार हमारे पास, तो इसलिए याद रखेंगे फंडा थ्री, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. तो अगर मैं दूसरे बाइसेक्टर की बात करूं, बाय द वे ये बाइसेक्टर है बच्चों बीई, तो इसके लिए बाइसेक्टर थ्योरम बताना क्या बोल रहा है. कम ऑन. बीसी इज टू एसी बाय बी अपॉन बीए. बीसी इज टू एबी इज सेम एज, बोलो, ईसी ईसी इज टू ए. क्लियर ना? यस यस. ये तो पहले लिख लो और फिर इस क्वेश्चन में यूज करने की कोशिश करो. कम ऑन. Okay, can I discuss now, everyone? Yes. Sir, one minute. Mic correct. Aditya, देखो तो सही क्या पूछा है और क्या निकाल रहा है तू. Level, I think correct है.
रन आंसर भेजो आदित्य प्रचंड करेक्ट अंशु करेक्ट प्रथम रॉन्ग अंशु की थोड़ी मिस्टेक हुई है हैरी कोटेचा करेक्ट चले यस सर यस सर सर आप एक बार आंसर देख सकते हैं गौरव अग्रवाल करेक्ट अंशु मिस्टेक दिव्यांश करेक्ट नचिकेत करेक्ट चलो अब मेरे साथ देखोगे बस स्टॉप राइटिंग सो आई वाज सेइंग अबाउट दिस सो मुझे सबसे पहले क्या रेशियो चाहिए ए बी की डिस्टेंस चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला करेक्ट एवरीवन यस सर यस सर प्लस 8 स्क्वायर 10 आता है क्या बच्चों यस सर यस सर ए सी 3 माइनस 1 4 स्क्वायर माइनस 5 3 स्क्वायर दैट इज 5 So therefore, since we know AB upon AC is same as BD upon DC, so ratio aa gaya 10 is to 5, that is 2 is to 1. Sounds good? Yes. 2 is to 1 ka aa gaya, main rough type ka kar raha hun, toh achi tarah fair kar dena. 2 is to 1 ka section formula lagana hai. So therefore, point D ke coordinate, 2 into minus 1 minus 2, minus 3 minus 5, minus 5 by 3, comma 2 into minus 2 minus 4 plus 3 minus 1 minus 1 by 3 ये D के coordinate आ गए सही है बच्चों yes sir yes sir और ये के coordinate क्या है 3 comma minus 5 तो अब section formula sorry distance formula 3 plus 5 by 3 का whole square plus minus 5 plus 1 by 3 का whole square तो देखें भाई कितना आ गया ये 9 कितना हो गया 9 प्लस 5 14 14 का स्क्वायर 196 प्लस माइनस 15 प्लस 1 196 ठीक है 196 इनटू 2 दैट इज 14 रूट 2 बाय 3 इज दैट क्लियर एवरीवन यस यस जल्दी से फिनिश करो कोई डाउट नहीं है ना नो सर चलो आगे बढ़ते हैं डन ओके सो अब हम सेक्शन फॉर्मूला से आगे बढ़ रहे हैं अब थर्ड पार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट का एज यू नो नेक्स्ट क्लास से अपन स्ट्रेट लाइन चालू करेंगे अभी क्या चल रहा है एवरीवन कोऑर्डिनेट जनरल कुछ चीजें अबाउट कोऑर्डिनेट वो कर रहे हैं अब तीसरा पार्ट कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल उसके लिए अब मैं सबसे पहले समझाऊंगा डिटरमिनेंट्स एक्सपांशन ये नाम हो सकता है तुमने पहली बार सुना हो बट अब देखो इधर तो फिजिक्स में किया किया तो अच्छी बात है हाँ तो बच्चों एक होता है मैट्राइसिस क्या होता है एक मैट्रिक्स और एक होता है डिटरमिनेंट सुना सबने
द फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स, दूसरा इज डिटरमिनेंट, और हमारे सिलेबस में कौन सा है, मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट? दोनों सर, हमारे सिलेबस में दोनों है, और चैप्टर का नाम है मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट, जो आपसे एक साल बाद करोगे, यू मान लो ट्वेल्थ में करेंगे, सेकंड थर्ड लास्ट चैप्टर, क्लियर? यस सर। तब डेप्थ में करेंगे डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट का एक्सपांशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। मैं अभी सिर्फ बताऊंगा डिटरमिनेंट का एक्सपांशन, वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्यों? क्योंकि वो एरिया निकालने के लिए शॉर्ट हो जाती है, काम आ जाती है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो व्हाट इज डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या होता है एवरीवन? स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्यों यूज होता है वो सब बात की बात है, वो चैप्टर में देखेंगे, अभी कुछ इतना नहीं करेंगे। डिटरमिनेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा यूजुअली, और ऐसे दो वर्टिकल लाइन बनाते हैं, विचार नॉट मॉड्यूलस। सुना सबने? यस सर। यस यस, ये मॉड्यूलस नहीं है, यूं मत सोच लेना। अब मॉड्यूलस के अंदर स्क्वायर होगा, स्क्वायर अरेंजमेंट मतलब जितनी रोज होगी उतने ही कितने होंगे कॉलम्स। जैसे इस इन तीनों एलिमेंट को क्या बोलते हैं? रो वन एलिमेंट। क्या बोलते हैं एवरीवन? रो वन एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे? रो टू एलिमेंट। टू। इसको क्या बोलेंगे? रो थ्री एलिमेंट। रो थ्री। तो ऑब्वियसली इसको क्या बोलेंगे वर्टिकल वाइज? कॉलम वन एलिमेंट। इसको बोलेंगे कॉलम वन। इसको क्या बोलेंगे? कॉलम टू। और इसको क्या बोलेंगे? कॉलम थ्री। तो कैन आई से स्क्वायर अरेंजमेंट समझ में आ गया? नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नॉन स्क्वायर तो डिटरमिनेंट नहीं होती, फिर वो मैट्रिक्स वैट्रिक्स हो सकती है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस। जैसे एग्जांपल बोलूं तो एक ऑर्डर टू, ऑर्डर टू की डिटरमिनेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे? फोर। फोर। वेरी गुड। ऑर्डर टू हो गया ना एवरीवन? यस सर। तो कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। ये लो, ये हो गया ऑर्डर टू। ऑर्डर थ्री तो कितने एलिमेंट होंगे एवरीवन? नाइन। कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। अब हमें निकालनी है उसकी वैल्यू। वैसे एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चलो बोल देता हूं। एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेशन, ये वाला कौन सा एलिमेंट है? कैन आई से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एवरीवन? यस सर। कॉलम, तो इसको क्या बोलेंगे? ए वन वन। मतलब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से, वेयर आई रिप्रेजेंट रो नंबर एंड जे विल रिप्रेजेंट कॉलम नंबर। कॉलम नंबर। तो बताओ ये कौन सी रो है एवरीवन? ये वाला कौन सी रो? फर्स्ट रो। और कौन सा कॉलम? कौन सा कॉलम? इसको कैसे लिखेंगे? ए वन टू। एवरीवन? यस यस। चलो फास्ट फास्ट बताओ इसको क्या लिखेंगे फिर? ए टू वन। चलो इसको क्या लिखेंगे वापस? ए लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? इसको बताओ इसको क्या लिखेंगे? थर्ड रो देखो और सेकंड कॉलम। यस सर। यहाँ तो कोई इश्यू? नो सर। एंड सो यहाँ तो कॉपी करो एक बार।
हाँ भाई हो गया क्या? यस सर। डन सर। Answer. Can I proceed ahead? Yes, sir. अब I hope तुम जब ये copy कर रहे हो तब ये सारे numbers भी check करके copy कर रहे होगे और sir ने क्या लिखा है? No, sir. इसमें इतना तो अक्लमंदी लगा हुआ है। चल अब देखो determinant expansion. Expansion का मतलब जैसे अपन summation का expansion करते हैं ना everyone? Yes, sir. जिसको क्या बोलते हैं अपन एक्सपांशन known as expansion. तो अब order 2 का expansion कैसे होगा फिर order 3 का थोड़ा सा depth में देखते हैं. तो order 2 का expansion बहुत easy है 3, 4, 5, 7 अगर ऐसा है तो order 2 के expansion के लिए this into this minus this into this बस ये physics में बताया क्या? Yes sir. कहाँ पे पढ़ रहा है? अच्छा cross product के लिए. तो अगर डेल्टा ऐसा है 2 - 3, 1 - 4 तो इसका आंसर कैसा आएगा 2 - -4 - 1 - -3 करेक्ट ना? यस सर. आता कोई डाउट? नो सर. तो तुम्हें ऑर्डर 3 का भी बता रखा है क्या? यस सर. कैसे समझाया? माइनस जे कैप करते हो तो ये मान लो तुम्हारा आई कैप की तरह ये जे कैप की तरह ये के कैप की तरह इज दैट क्लियर? यस सर. सो क्या लिखोगे 3 इंटू क्या बोले इसको थ्री को रो और थ्री के कॉलम को छुपा दो तो ये चारों एलिमेंट बचते हैं एग्री करो? यस. तो उसकी सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट ही आती है ये भी पता था या नहीं पता था ऐसा? -2 आएगा -2 के अक्रॉस वापस एक सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट आएगी जो कैसे मिलेगी जो 2 की रो है और 2 के कॉलम को छुपा दो. क्लियर एवरीवन? यस. फिर 5 के अक्रॉस क्या आएगी एक सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट जो कैसे मिलेगी वापस 5 की रो और कॉलम को छुपा दो. इसको नाम बोलते हैं माइनर. वैसे वर्ड फिजिक्स में नहीं बताया होगा ऐसा बोलते हैं कुछ माइनर? नहीं सर. तो अभी नो नीड टू इंट्रोड्यूस बट कैन आई से ये एक्सपेंशन सबको आता है इतना? यस सर. फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को एक्सपांड कर दोगे विद पहला साइन प्लस दूसरा साइन माइनस तीसरा साइन प्लस. इज दैट क्लियर? यस सर. सो अब इसकी वैल्यू 1 into 5 - 2 into 4 - 2 into 0 into 5 - 3 into 2 + 5 - 0 into 4 - 3 into 1. क्या फाइनल आंसर नेगेटिव आ सकता है क्या? यस सर. तू ये तो ऐसा मॉड का साइन दिख रहा है. मॉड नहीं है. मॉड नहीं है. नहीं है. -9 + 12 - 15 - 12 इज द फाइनल आंसर. बिल्कुल क्लियर? यस सर. यस सर. कॉपी कर लो यहां तक.
Done? Yes, sir. हाँ भाई छोड़े आप उसको हो गया यस। अच्छा मुझे एक प्रैक्टिस करके बताओ सिंप्लीफाई डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर निकालो Sir done. सबका आंसर सही आया है तो फील आ गया होगा पता ही चल गया होगा तो सही है। आंसर इज कितना जीरो। डिटरमिनेंट इतना ब्यूटीफुल है पता है कि अगर मैं यहाँ 11 11 ये सब कर देता तो भी आंसर जीरो होता। अगर मैं यहाँ 1 1 1 कर दूंगा तो भी जीरो होगा। अगर यहाँ मैं 2 कर दूंगा हर जगह तो भी जीरो होगा। समझ रहे हो Yes, सब अभी तुम्हारे अभी अभी की बात नहीं है बात की बात है। क्या सबका आंसर जीरो आ गया किसी को समझाना है मुझे? No, sir. तो अब बताओ अब एरिया में कैसे यूज करते हैं वो लिखते हैं। प्लीज राइट डाउन द हेडिंग वापस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ नॉन वर्टाइसेस। तो हर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता है करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। यस तो बाय द वे हमारा देखो एक रैंडम ट्राइंगल ऐसा है पॉइंट ए एक्स वन वाई वन है पॉइंट बी एक्स टू वाई टू है पॉइंट सी एक्स थ्री वाई थ्री है। सो मैं एरिया का प्रूफ कैसे करूंगा वो समझा रहा हूँ या पहले फॉर्मूला बता देता हूँ बेटर है। पहले फॉर्मूला ही बता देता हूँ। डायरेक्टली एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विल बी डेल्टा इट विल बी हाफ। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ हाफ क्या करना है फर्स्ट वर्टेक्स कितना है एक्स वन वाई वन सो एक्स वन वाई वन वन तो सिमिलरली दूसरे क्या होंगे बताओ एक्स टू वाई टू वन सबके साथ एक वन लगाना है बस एक्स थ्री वाई थ्री वन डायरेक्टली एरिया किसी भी ट्राइंगल का जाए। अच्छा ही है ना काम का ही है ना इस तरीके से। yes. और इसका प्रूफ क्या होगा बस शॉर्ट में बता रहा हूँ पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब इतना कोई टाइम वेस्ट मुझे करने की इच्छा नहीं है। एरिया इज व्हाट हाफ द वेक्टर प्रोडक्ट सबको आता है ये वेक्टर प्रोडक्ट सबने देखा है कमॉन। यस सर। देखा नहीं देखा फिजिक्स में हाफ ए क्रॉस बी एवरीवन। यस सर। तो ए कौन है दो साइड वेक्टर्स एक ए बी ले लिया मैंने और एक क्या ले लिया ए सी। ए बी वेक्टर क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट करेक्ट एवरीवन। यस सर। यस सर। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप
plus y2 minus y1 j cap. Are you okay everyone? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. AC vector kya ho jayega? X3 minus x1 i cap plus y3 minus y1 j cap. Cross product lunga, arrange karunga. तो इसका जो एक्सपांशन होता है उस तरीके की वैल्यू आ जाती है. दैट्स व्हाई वी से दिस इज द आंसर. शॉर्ट में चलेगा एवरीवन? यस सर. यस सर. यस सर. इसके बाद पूरा नहीं कर रहा हूं, कुछ काम का नहीं है, बस यूं ही बस लेबोरियस स्टेप्स. 15 मिनट 12 मिनट इन्वेस्ट हो जाएंगे. तो किसी को क्यूरियोसिटी है तो वो कर सकता है. इसका जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आंसर एक्चुअली ऐसे डायरेक्टली ऐसे अरेंज होकर आ जाएगा डिटरमिनेंट फॉर्म में? सर नहीं सर, मैग्नीट्यूड निकाल या फिर इसका एक्सपांशन आएगा जो मैंने बताया this minus this और वो जो हम कर रहे हैं. क्या आएगा? Expansion आएगा. Expansion आएगा. Is that clear? Yes sir. मतलब अब एक example wise देख लेते हैं everyone. तो एक triangle है, rough diagram. 0, 1, 2, -3, 4, 1. तो क्या देखने की जरूरत है? क्या ये right angle triangle या scalene, obtuse कुछ ऐसा देखने की जरूरत है? नहीं sir. नहीं sir. क्या directly area का formula लगा सकते हैं? Yes sir. क्या एरिया डायरेक्ट डिटरमिनेंट होता है या हाफ टाइम डिटरमिनेंट होता है? हाफ टाइम. हाफ टाइम. हाफ टाइम. और हाफ को नहीं बोलेंगे, करेक्ट ना? यस. हाफ फर्स्ट वर्टेक्स 0 1 और उसके आगे एक फिक्स और क्या लगाना है? 1 1. फिर 2 minus 3 उसके आगे एक और क्या लगाना है? 1 4 1 1 1. अब इसकी वैल्यू निकालना तो आता ही है, राइट एवरीवन? यस यस. कॉपी कर लो, ऊपर का पार्ट कॉपी करो. चलो चलो अच्छा, एरिया हमेशा नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? डिटरमिनेंट वैसे क्या होता है? डिटरमिनेंट नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है या दोनों हो सकती है? दोनों हो सकती है. एंड व्हाट अबाउट एरिया? पॉजिटिव. पॉजिटिव. क्या बोलना चाहता हूँ, समझ गए? मॉड होगा. मॉड. उसके आगे मॉड और लगेगा. समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर. यस सर. बिकॉज व्हाई? बिकॉज एरिया इज पॉजिटिव. एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो कभी कभार हम क्या करेंगे बच्चों, सुनना ध्यान से. कभी कभार दो एरिया को प्लस करना पड़ता है, एग्री करो? यस सर. क्या बोला मैंने? कभी कभार दो एरिया को प्लस करना पड़ता है, हाँ है ना, टू फाइंड आउट फाइनल एरिया. यस सर. यस सर. तो बिना मॉड के ऐड कर दिया तो एक नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव में ऐड हो जाए. समझ रहे हो मेरी बात? सर. यस सर. बस वो क्वेश्चन में गलती करोगे तब रियलाइज कर दोगे. अच्छा यार, वो भी तो करने थे डाउट्स आउट्स. क्या हो गए डाउट्स? सर एक्सेल 2 भी तक हो गया. 2 भी तक हो गया डाउट लेक्चर में? यस यस सर. 2 भी तो कल दूसरे सुनने ले लिए. हां हां वही बोल रहा हूं, एक्सरसाइज 3 करनी है. ठीक है, नेक्स्ट वीक के एक लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में अब खत्म करते हैं. ठीक है एवरीवन? यस सर. रेडी रखना, नेक्स्ट वीक का जब भी फर्स्ट लेक्चर आएगा मैं फिनिश कर दूंगा. Yes, या फिर डाउट लेक्चर आएगा तो उसका भी वेट कर सकते हैं. देखते हैं. ओके, हैव यू कॉपीड एवरीवन? यस सर. यस सर. प्रूफ बस दो लाइन लिख दो, बस काफी है, एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं.
Okay, can I move? Give a question. Yes. Yes, sir. Yes. चलो करो फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन स्टार्ट हाँ भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है नाइन सर नाइन या एटीन नाइन नाइन मतलब एटीन वाले वो हाफ फुल गए हाँ एटीन जो आंसर दे रहे हैं वो हाफ फुल गए लगता है वन माइनस थ्री वन सो एरिया इज हाफ ऑफ थ्री इनटू माइनस टू प्लस थ्री में डायरेक्ट कर सकता हूँ ना एवरीवन या लिखूँ तुम्हारे लिए बोलो
सर डायरेक्ट कर दो सर डायरेक्ट माइनस टू प्लस थ्री दैट इज वन माइनस टू इंटू फाइव माइनस वन फोर प्लस वन इंटू माइनस फिफ्टीन प्लस टू माइनस थर्टीन सो हाफ इंटू थ्री माइनस एट माइनस थर्टीन कितना हो गया माइनस फाइव माइनस एटीन बाई टू माइनस नाइन दैट इज आंसर इज नाइन सबको क्लियर यस 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 सर अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालोगे बच्चों उसका तो कोई फॉर्मूला नहीं सर अभी दो ट्रायंगल निकालोगे ये तो निकाल चुके हो सिर्फ इसका निकालोगे ना एवरीवन हां मतलब यस सर क्या ध्यान रखोगे कि बस की वो भी पॉजिटिव लेके फिर करोगे आंसर है करेक्ट ना एवरीवन यस सर अब ए2 का एरिया निकालो जल्दी से कम ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी का फर्स्ट रो में किसको रखना है जरूरी है क्या थ्री टू वन ही किसी को भी रख सकता हूँ क्या यस सर हाँ वैसे भी पॉजिटिव लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बता रहा है इसका आंसर कितना आया 33/2 दैट इज 16.5 सो फाइनल आंसर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल दोनों का एडिशन 25.5 किसी बालक को डाउट copy fast yes. Okay, I hope we can move. Yes, sir. Second question. चलो अब दो तीन क्वेश्चन दे दूं होमवर्क कर ले आओगे दो क्वेश्चन यस यस दिस क्वेश्चन कोलिनियर का मतलब क्या होता है बच्चों कुछ आइडिया एक लाइन एक ही लाइन एक ही लाइन में एक ही लाइन में तो एरिया कितना होगा जीरो जीरो एक ही लाइन में तो सेक्शन फॉर्मूला भी लग सकता है करेक्ट Yes, sir. तो सोच के आना इस बारे में और एक और ये क्वेश्चन प्लीज ट्राई इट एंड कम मैं प्रैक्टिस शीट भी भेजूंगा स्ट्रेट लाइन की आप वो भी करनी है क्लियर ओके सर ओके नेक्स्ट क्लास बीटी का रैप करने की कोशिश करेंगे एंड स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू चलो बाय बाय एवरीवन थैंक यू बाय सर थैंक यू